ये गेम है मिखाइल ताल और पराग नाइक के बीच में। मिखाइल ताल वाइट पीसेस के साथ खेल रहे हैं, दूसरी ओर पराग नाइक खेल रहे हैं ब्लैक पीसेस के साथ। मिखाइल ताल ने यहाँ पर d4 से शुरुआत कर दी है। सिमेट्रिक कुछ देखने को मिल रहा है, दोनों खिलाड़ी अपने अपने मोहरों को विकसित करते हुए। घोड़े को पिन करते हुए मिखाइल ताल, पिन को हटाते हुए पराग नाइक, लगता है किंग साइड कैसलिंग ही करेंगे ताल। क्या चलने वाले हैं मिखाइल ताल यहाँ पर, क्या उसे पीछे लेंगे? हाथी से लिया गया। मिखाइल ताल का निशाना अभी फिलहाल कुछ और है यहाँ पर। मिखाइल ताल इस पॉन में रुचि नहीं रख रहे हैं। अभी फिलहाल ये ऊँट मिखाइल ताल के लिए आवश्यक है तो उसे देना नहीं चाहते। और मिखाइल ताल के वजीर पर हमला, देखिए इस ऊँट पर काफ़ी दबाव है, तो पराग नाइक ने इसे मिखाइल ताल पर ही छोड़ दिया है कि वो वजीर को एक्सचेंज करना चाहते हैं या नहीं। पॉन को बचाना आवश्यक क्योंकि सेंटर का पॉन है, काफ़ी उपयोगी होता है। डबलिंग अप करने की तैयारी लग रही है पराग नाइक की, लेकिन अभी उन्होंने घोड़े को पीछे लिया। आखिर घोड़ा यहाँ पे जाने के लिए कोई जगह नहीं है, आप देखिए यहाँ पर घोड़ा जो है वो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा तभी बैठा है ये बंदोबस्त करने के लिए। यहाँ पे भी जा सकता है लेकिन हाथी है तो विकसित करने के लिए पीछे लिया गया पराग नाइक के द्वारा। अब घमासान युद्ध यहाँ पे होते हुए डी फाइल पर। अब देखिए किस तरह से बड़े खिलाड़ी कभी भी अपने पीसेस को यूँ अकेला नहीं छोड़ते। ये हाथी भी मिखाइल ताल का इस घोड़े द्वारा यहाँ पे संरक्षित है। दोनों ही राजा मैदान में उतर रहे हैं, एंड गेम पर आ चुके हैं गेम। और ये ऊँट पर काफ़ी दबाव, ऊँट को कैसे बचाया जाए यहाँ पर। मिखाइल ताल ने इसे एक कदम पीछे लिया ऊँट को, और हाथी एक्सचेंज हो जाएंगे। एंड गेम पूरी तरह से शुरू होते हुए ऊँट को पीछे लिया गया और घोड़ा लेने की तैयारी है पराग नाइक की। वापस ऊँट पर ही हमला, ऊँट गया पीछे। एक एक पॉन कीमती है, दोनों ही खिलाड़ी इस बात को भली भांति जानते हैं। मिखाइल ताल यहाँ पर प्रयास करेंगे कि एच फाइल का पॉन वो उड़ा ले, लेकिन इतना सहज नहीं होगा। पराग नाइक को तो मूव्स ही नहीं मिल रहे हैं, वो अपना ऊँट ही आगे पीछे किए जा रहे हैं। मिखाइल ताल नहीं चाहते कि पराग नाइक का राजा आगे बढ़े, ज़्यादा आगे आए, तो उसे रोकने के लिए एच फाइल के पॉन को वो आगे लेके आ रहे हैं। काफ़ी यहाँ पर लिमिटेड कहेंगे, यहाँ पर काफ़ी गिनती के यहाँ पर मूव्स हैं दोनों ही खिलाड़ी के पास, ज़्यादा हलचल कोई नहीं दिखा पा रहा। मिखाइल ताल के पॉन स्ट्रक्चर और पराग नाइक के पॉन स्ट्रक्चर को देखिए, डबलिंग अप हो चुकी है एफ फाइल पर पराग नाइक के पॉन्स की, और यही मिखाइल ताल को फ़ायदा भी दे सकती है। फिलहाल दोनों ही खिलाड़ी एकदम बराबरी पर हैं। अब देखिए इतनी बराबरी पर कि घोड़े और ऊँट की स्थिति भी समान ही है यहाँ पर। क्या मिखाइल ताल इस गेम को ड्रॉ तक ले जाएंगे, या फिर ऐसा कुछ यहाँ पर घटित होने वाला है जिससे मिखाइल ताल इस गेम को जीत सकते हैं? मिखाइल ताल ने प्रयास करते करते अपने पीसेस को आगे तक लेके आ गए। देखिए किस तरह से फिफ्थ फाइल तक मिखाइल ताल का यहाँ दबदबा बन चुका है, वहीं पराग नाइक अपने मोहरों को पीछे ही पीछे ढकेलते जा रहे हैं। चेक, दोबारा चेक। आप कहेंगे कि राजा पीछे क्यों गया, इस पॉन को क्यों नहीं लिया? फिलहाल देखिए खतरा कहाँ मंडरा रहा है, खतरा मंडरा रहा है जब ये यहाँ पर आएगा राजा, तो मिखाइल ताल
घोड़े से इसको चेक देंगे पराग नहीं के राजा को, और फिर इस ऊँट को उठा लेंगे। तो इसलिए ऊँट को बचाए और इसके बाद रेजिग्नेशन आ गया है। यहाँ पर ज़्यादा ये सामान्य सी गेम रही, और यहाँ पर आप देखिए कि रेजिग्नेशन क्यों आया, ऐसी क्या व्यवस्था हो गई पराग नहीं के लिए कि अभी ये स्पॉन से लिया जाएगा और उसके बाद मिखाइल ताल यहाँ पर राजा सक्रिय करेंगे, और फिर या फिर इसके उलट यहाँ पे इससे भी लिया जा सकता है और चेक देंगे और ऊँट उठा लेंगे। ऊँट उठाते ही क्या होगा कि प्रतिद्वंदी का राजा जो है पराद्निक इस ऊँट को, इस घोड़े को लेंगे जो यहाँ पे होगा, और घोड़ा लेने के बाद मिखाइल ताल अपने राजा को यहाँ पर पहुँचा देंगे, और इस पॉन के पास पहुँचने के कारण मिखाइल ताल को यहाँ फ़ायदा मिलेगा कि वो इस पॉन को ले लेंगे, और फिर जो होगा कि मिखाइल ताल इस अपने इस वाले पॉन को वजीर तक पहुंचा देंगे, और फिर गेम मिखाइल ताल की है। तो यहां से मिखाइल ताल ने इस गेम को जीत लिया है, पराग नाइक ने रेजिग्नेशन दे दिया यहां पर।